अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ लज़ानिया की रेसिपी। तो बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर मेरे जो बेल का जो आइकन है इसको दबाने से आपको मेरी लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। रेसिपीज अच्छी लगें तो थम्स अप दें। तो लज़ानिया की शीट्स रेडी करने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा, 1 टीस्पून ऑयल और 1 टीस्पून के बराबर नमक, और जो पानी है वो हमारे इतना जाएगा कि हमारी जो डो है वो आराम से गुंज जाए। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर ऑयल। ऑयल की जगह आप घी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर नमक, और इनको पहले हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और उसके साथ ही उसके अंदर ऐड करने लग जाएंगे पानी। तो यहाँ मैंने डो को जो है अच्छे तरीके से गूंद लिया है, और अब हम इसको रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, छोड़ देंगे इसको रेस्ट करने के लिए। तो उधर में हम फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो फिलिंग रेडी करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप के बराबर टोमेटो प्यूरी, या फिर अगर आप टोमेटो पेस्ट ले रहे हैं तो 1/4 कप ले लें। यहाँ पर मैंने 1 टमाटर लिया है जिसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है, गाजर ली है 1 जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है, और शिमला मिर्च है इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया, और अनियन को स्लाइस कर लिया है। मसालों में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून पेपरिका, और चिकन जो लिया है मैंने यहाँ पर तकरीबन 200 ग्राम्स के बराबर है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये बिल्कुल कीमा लिया है, बिल्कुल ये कीमा होना चाहिए क्योंकि जो लज़ानिया है उसमें लेयरिंग होती है तो उसमें कीमा ही जाता है। तो चलिए अब हम कुकिंग प्रोसेस तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे, यहाँ पर मेरे पास 1 गार्लिक का क्लोव है तो मैंने इसको हल्का सा कोट लिया है, इसके अंदर मैं ये ऐड कर रहा हूँ, और इसको हमने अच्छे तरीके से हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा करना है। तो यहाँ पर हमारा गार्लिक जो है वो ब्राउन हो रहा है, तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ हमारे पास जो चिकन का कीमा था, यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो तकरीबन पक चुका है। तो अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे तमाम मसाले थे तो अब हम इन सबको इसके अंदर ऐड कर देंगे, और अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। इस साथ ही हम इसके अंदर वेजिटेबल्स को भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास शिमला मिर्च, प्याज, गाजर और टमाटर, इन सब चीज़ों को ऐड करके हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। तो यहाँ पर हमारी जो फिलिंग है ये पक रही है, इसके अंदर मैं इसके अंदर ऐड करूँगा 1/2 कप के बराबर से मैं पानी ऐड कर रहा हूँ, और इसको हम ढक कर पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमारी ये जो डो है ये हो चुकी है रेस्ट। तो अब हम इसको तकरीबन पहले इस तरह से रोल करेंगे, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पर मैंने 3 इक्वल पार्ट्स पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और अब हम इनको जो 3 हमने बनाए हैं उनको भी हम हाफ कर देंगे। तो बिल्कुल छोटे छोटे से हमने पेड़े रेडी कर लेने हैं। ये देखिए इस साइज़ का पेड़ा मेरा रेडी हुआ है। तो ये देखिए हमारे 6 पेड़े रेडी हुए, मतलब कि हमारे पास 6 जो लज़ानिया शीट्स हैं या फिर हम उसे टोर्टिया ब्रेड कह सकते हैं, वो हमारे पास रेडी हो जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ मैंने 6 रेडी करनी है। तो अब हम हल्का हल्का मैदा लगाएंगे और इनको हम बेल कर रख लेंगे पहले सबको। इसी तरह से हमने सारी रोटियां बेल लेनी हैं। तो अब मैंने यहाँ पर एक लिया है तवा,
और इसके ऊपर अब हमने रखनी है अपनी जो हमने टोर्टिया ब्रेड बनाई थी वो रखेंगे हम इसके ऊपर। और मैंने बिल्कुल भी ऑयल की ग्रीसिंग वगैरह कुछ भी नहीं की है। तकरीबन एक दो मिनट मैंने पकाया है एक साइड से और मैंने इसके साइड को पलट दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे ऐसा कलर आएगा जब हमारी टोर्टिया ब्रेड के ऊपर, तो हम इसको उतार लेंगे। दोनों साइड से पक चुकी है तो मैं इसको उतार रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारी असेंबलिंग के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ चेडर और मोज़रेला चीज़ की ज़रूरत होगी। मेरे पास ऐसा मोज़रेला चीज़ अवेलेबल नहीं है तो मैं सिर्फ चेडर चीज़ ऐड कर रहा हूँ। आप जो है आप मर्ज़ी से पिज़्ज़ा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं या फिर चेडर और मोज़रेला दोनों भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी असेंबलिंग की तरफ। यहाँ पर हमारे पास रेडी है टोर्टिया ब्रेड, हमारे पास मज़ेदार सी जो फिलिंग है सॉसी सी वो भी रेडी है, और यहाँ पर हमारे पास है एक पायरेक्स की डिश है। तो इसके लिए आपका पायरेक्स की डिश का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको ऐड कर देंगे उसके अंदर ओवन के अंदर या फिर अगर आप देगची के अंदर भी ऐड करेंगे तो होगा क्या कि आपकी जो डिश है वो टूट जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर पायरेक्स की डिश होना लाजमी है। तो चलिए यहाँ पर मैंने ग्रीस कर दिया अच्छे तरीके से, और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगा फिलिंग, जो हमारे पास जो फिलिंग रेडी की थी वो ऐड करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारा जो पतीला है वो प्री हीट हो चुका है, और अब जो हमारा ये जो लज़ानिया था अब हम इसको इसके अंदर रख देंगे। जाली स्टैंड रखा है मैंने पहले, और इसके बाद मैं इसके ऊपर इसको ऐड कर रहा हूँ, और उसको हमने बेक करना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो अब हमें 15 मिनट हो चुके हैं रखे हुए, अब हम खोल कर देखेंगे। ये देखिए मज़ेदार से हमारा लज़ानिया जो है वो रेडी हो चुका है, जो चीज़ है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। ये देखिए अब हम इसको बाहर निकालेंगे और अब हम इसको प्रेजेंट करेंगे। मैंने यहाँ से इसको कट कर लिया था तो मैं यहाँ से इसको निकालूंगा। क्या ही कोई मज़ेदार सा ये लग रहा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।